मैं राम फलमोर एडवोकेट सोनीपत, मेरे छोटे वकील साथियों के कहने से सीआरपीसी का लेक्चर आज दिनांक 20/5/2020 को चैप्टर 6 पर डिलीवर करने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये आप सबकी पसंद बनेगा और आप इसको मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं विषय पर। चैप्टर 6 क्या है? चैप्टर 6 है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। इससे पहले कि हम चैप्टर 6 पर चर्चा करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी के अंदर कुल 484 सेक्शन हैं और इस 484 सेक्शंस को 37 अध्यायों में बांटा गया है। हम 5 अध्याय पूरा कर चुके हैं और 6 अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और इस 6 अध्याय को शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि 484 सेक्शन जो सीआरपीसी में पहले आए हैं, उनके बाद 2 शेड्यूल दिए गए हैं। एक शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल, जिसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, और जिसमें 6 खाने हैं। पहले खाने के अंदर सेक्शन होता है और दूसरे के अंदर ऑफेंस होता है, तीसरे के अंदर कितनी सज़ा है, पनिशमेंट होती है, चौथे के अंदर ये बताया गया है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, पाँचवें में ये बताया गया है कि ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है, और 6 में ये बताया गया है कि बाय होम कोर्ट ट्रायबल है, कि किस कोर्ट के द्वारा वो ऑफेंस जो है सुना जाएगा। इस प्रकार से जो सेकंड शेड्यूल है उसमें फॉर्म्स हैं। मैं ये फॉर्म्स वाली बात और सेकंड शेड्यूल वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज जब हम पहला सेक्शन 61 ही पढ़ेंगे तो उसके अंदर फॉर्म नंबर 1 जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है उसी पर चर्चा होगी। और अब हम आते हैं सेक्शन 61 के ऊपर। सेक्शन 61 क्या कहता है? सेक्शन 61 कहता है फॉर्म ऑफ समन्स। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि फॉर्म ऑफ समन्स, समन भेजने का फॉर्म क्या होगा। समन भेजने का फॉर्म जो है, विशेष रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड शेड्यूल के अंदर सबसे पहला फॉर्म जो है सेक्शन 61 के तहत ही दिया गया है। उस फॉर्म को अगर सीआरपीसी खोल करके देखोगे तो जो बातें इसमें कही हैं वो सारी की सारी बातें उसको देखने से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम होगा, उसके बाद समन किस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम और पता होगा, उसके बाद समय और स्थान होगा कि किस स्थान पर और किस समय आपने पेश होना है, और उसके बाद कोर्ट की सील होगी और जज साहब के दस्तखत होंगे। क्रिमिनल के अंदर जज साहब के दस्तखत होने अनिवार्य होते हैं, या उस अधिकारी के जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दूसरा आदमी अधिकृत किया गया हो, और ये उसके अंदर खास बात है। तो फॉर्म 1 जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, और उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि ये फॉर्म्स सीआरपीसी के सेक्शन 476 को अगर आप पढ़ोगे तो 476 सेक्शन के अंदर जो है ये क्लियर कट कहा गया है कि फॉर्म्स बनाए जाएंगे, और वो फॉर्म्स क्या हैं उसके अंदर इस फॉर्म को बनाने का प्रावधान है। तो अब सेक्शन 62 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 62 क्या कहता है कि एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। इसकी सर्विस कौन करवाएगा? सर्विस करवाएगा पुलिस ऑफिसर, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ, या ये सरकार यदि कोई दूसरा कानून बना दे तो उस कानून के तहत कोई दूसरा आदमी, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, या जिस कोर्ट ने इशू किया है सरकार द्वारा अधिकृत दूसरे व्यक्ति से, और अदर पब्लिक सर्वेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट से, इन तीन आदमियों से इसकी सर्विस करवाई जाएगी। और वो सर्विस जो है कोशिश ये होगी कि उसी व्यक्ति के ऊपर की जाए जिसके नाम समन जारी किया गया है, और ये डुप्लीकेट में होगा। डुप्लीकेट क्यों होता है? इसका कारण ये है, वैसे तो इससे अगले सेक्शन के अंदर जो 61 हमने पढ़ा और 62 दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाए तो ये यहाँ पर क्लियर कर देना ज़रूरी है कि इसका डुप्लीकेट इसलिए बनाया जाता है ताकि डुप्लीकेट के ऊपर या दूसरी प्रत के ऊपर जो है समन लेने वाले के हस्ताक्षर करवा लिए जाएं और उसके ऊपर उसकी
किसी अन्य व्यक्ति की, गणमान्य व्यक्ति की, नंबरदार की, चौकीदार की या दूसरे व्यक्ति की गवाही करवा ली जाए कि उसकी हाजिरी में इसको सम्मन दिया गया है, और फिर वो परत जो है अदालत में जमा हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि सम्मन की तामील हो गई है। तीसरी बात इसके अंदर ये कही गई है कि वो रसीद जो हुई है उसकी बैग के अंदर, वो रसीद जो है अटेस्ट होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 62 था, अब सेक्शन 63 के ऊपर आते हैं कि सर्विस ऑफ सम्मन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। जिस तरीके से सेक्शन 61 और 62 के तहत सर्विस व्यक्तिगत की गई, व्यक्ति विशेष के ऊपर की गई, इसी प्रकार कॉरपोरेट बॉडीज हैं, कॉरपोरेशन हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, तो उनके ऊपर जब सर्विस करवाई जानी है तो उसका सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, उनके द्वारा जो है इसकी सर्विस करवाई जाएगी। ये सर्विस बाय रजिस्टर्ड लेटर भी हो सकती है, जो चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन को एड्रेस होगा और उसके तहत भी इसकी सर्विस करवाई जा सकती है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी है और कॉरपोरेशन के मायने दिए गए हैं कि कॉरपोरेशन क्या है। कॉरपोरेशन मीन्स इनकॉरपोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। समनिंग ऑर्डर इज नॉट ए जजमेंट एंड इट कैन बी रिकॉल्ड ऑल्सो, ये बाय द कोर्ट इशूइंग इट। ये बात जो है 2004 क्रिमिनल लॉ जनरल 747 फॉलोड बाय 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल 3779 सुप्रीम कोर्ट पर करार दी गई है कि जो सम्मन जारी किया गया है या वारंट जारी किया गया है वो जो है फाइनल ऑर्डर नहीं है और उसके ऊपर पुनर्विचार भी किया जा सकता है और कोर्ट उसको वापस भी कॉल कर सकती है। तो इसलिए ये दोनों अथॉरिटी मैंने बताई, जो ये अथॉरिटी है 2004 क्रिमिनल लॉ जनरल 747, ये 1992 क्रिमिनल लॉ जनरल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 3779 पृष्ठ के ऊपर अंकित किया गया है, उसको फॉलो करते हुए पास की गई है। अब सेक्शन 64 क्या कहता है कि सर्विस वैन पर्सन सम्मंड कैन नॉट बी फाउंड, जब जिस आदमी के ऊपर सर्विस की जानी है वो आदमी गांव में नहीं मिलता या जो पता था उस पते के ऊपर नहीं मिलता, तो उसके घर में रहने वाले अडल्ट मेल मेंबर को भी, फैमिली के अडल्ट मेल मेंबर को भी वो सम्मन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह कहना अनिवार्य है कि उनके घर का नौकर या उसका अपना नौकर या ड्राइवर ये कह करके कि भाई ये उसका ड्राइवर था, उसके ऊपर उसको अगर सम्मन दिया गया तो वो तामील नहीं मानी जाएगी। अडल्ट मेल मेंबर शब्द है इसमें, तो अडल्ट मेल मेंबर का ख्याल रखें, उसी के ऊपर सर्विस होगी। और 65 क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, इफ सर्विस कैन नॉट बी द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी इफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63 and 64, द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिस्केटेड पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टीड इन विच द पर्सन सम्मन्ड ऑर्डिनरी रिजाइड्स एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक्स फिट मे either declare that summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers prayer। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि यदि धारा 62, 63 and 64 में जो नियम दिया गया है उसके अनुसार यदि सर्विस कंप्लीट नहीं होती और आदमी के ऊपर सर्विस इफेक्ट नहीं हो पाती, तो वो जो सम्मन है उसकी प्रति उसके घर के दरवाजे के बाहर चश्मा कर दी जाती है, एफिक्स कर दी जाती है, या ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पर जो सार्वजनिक प्लेस हो जैसे चौपाल पर जहाँ हर आदमी का आना जाना हो, जिससे सबको ये पता लग जाए कि हाँ वो उसके सम्मन आए थे। और ये कोर्ट के बाहर भी लगाया जा सकता है, कोर्ट के गेट पर भी लगाया जा सकता है, कोर्ट के साइन बोर्ड पर भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 65 के तहत जो है ये सर्विस जो है बाई एफिक्सिंग भी हो सकती है। और 66 क्या है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर सर्विस कैसे करवाई जाएगी, जब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर सर्विस करवानी है उसको समन भेजा जाना है तो उसको समन ऑर्डिनरी भेजे जाएंगे, लेकिन
डुप्लीकेट में हेड ऑफ द ऑफिस को, जैसे मान लिया किसी मास्टर पर सर्विस करवानी है तो उसके हेडमास्टर को थ्रो हेडमास्टर जो है सर्विस होगी, हेडमास्टर जो है उस आदमी को बुलाएगा, एक कापी उसको देगा और उसके ऊपर दस्तखत कराएगा, स्वयं अटेस्ट करेगा और फिर जो है उस आदमी को वापस देगा कि ये सर्विस करवा दी गई है। इस तरीके से थ्रो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस भी करवाई जा सकती है और ये सेक्शन 62 वाला ही प्रावधान जो है माना जाएगा। सच सिग्नेचर शैल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, 66 के अंदर जो है ये जो है वो उस आदमी को आकर के ये कहने की जरूरत नहीं है, हेडमास्टर को यह मान लिया कि किसी भी अधिकारी जिसके माध्यम से सर्विस तामील कराई गई है वो आकर ये कहे कि हाँ ये सर्विस मेरे सामने हुई है, ये उसके सही दस्तखत हैं। इन केस इट इज सो, इस तरीके से हुई गए तो इट विल बी प्रज्यूम्ड दैट सर्विस इज कंप्लीट। अब सेक्शन 68 जो है क्या कहता है, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेज वैन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, वैन ए सम्मन इज इशूड बाई ए कोर्ट इज सर्वड आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिडिक्शन एंड इन केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्वड ए समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मैजिस्ट्रेट दैट सच समन हैज बीन सर्वड एंड ए डुप्लीकेट ऑफ समन परपोर्टिंग टू बी एंडोस्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 62 और बी एडमिसिबल इन एविडेंस एंड स्टेटमेंट्स मेड देयरिन शैल बी डीम्ड टू बी करेक्ट अनलेस अंटिल द कंट्ररी इज प्रूव। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लिया कि ज्यूरिडिक्शन से बाहर की सर्विस तामील कराई गई है, तो ज्यूरिडिक्शन से बाहर की सर्विस तामील कराने का क्या तरीका है कि गुहाने का जज अगर कलकत्ता में सर्विस करवाना चाहता है तो कलकत्ता के जज के नाम जो है समन भेजेगा और कलकत्ता का जज जो है ये मानते हुए कि मानो ये समन उसकी अपनी कोर्ट के हैं उसी तरीके से एग्जीक्यूट करवाएगा जिस तरीके से उसने अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को या समन्स को एग्जीक्यूट करवाना था और वो एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो वहाँ के पुलिस वाले अधिकारी का जो एंडोर्समेंट आएगी वो एंडोर्समेंट एक एफिडेविट के द्वारा सपोर्ट की जाएगी और उस आदमी ने यहाँ आकर के ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सर्विस मैंने कराई थी और ये एफिडेविट मेरा है, उसको जो कहते हो ये माना जाएगा कि इट इज़ करेक्ट एंड इट वाज ड्यूली इफेक्टेड तो सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। और 69 क्या कहता है, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, ये अब तक जितने हमने सेक्शन पढ़े इसमें एक्यूज की प्रेजेंस के बारे में पढ़े और ये सेक्शन जो है विटनेस की सर्विस के बारे में है। विटनेस को दोनों प्रकार से सूचित किया जा सकता है, साधारण समन से भी और उसको जो है डाक से भी समन भेजे जा सकते हैं। पोस्टल एम्प्लाई जो है वो आएगा और अगर इनकार किया तो वो कहेगा कि ये मैं समन लेकर गया था और उस आदमी ने लेने से इनकार कर दिया और इस तरीके से जो है ये इट विल बी एडमिसिबल इन एविडेंस। तो ये जो है समन के ये केस थे, अब ये सेक्शंस थे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लिया एक आदमी इन सारे समन्स की प्रक्रिया में समन लेने के बाद अदालत में पेश नहीं होता तो उसने 174 IPC का जुर्म किया है एंड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 174 ऑफ द IPC। अब जो है हम बात करते हैं वारंट की, तो इससे पहले कि हम अगला वो करें, इस चैप्टर के अंदर जो है सेक्शन 61 से सेक्शन 90 तक यानी 30 सेक्शंस हैं और काफ़ी लंबा ये चैप्टर है, लेकिन आज हम जो है 60 से 80 तक लेंगे जिसमें जो है समन और वारंट दोनों आ जाएंगे, तीसरा जो है अटैचमेंट का है और चौथा जो है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस जो हैं उनको जो है अगले लेक्चर में लेंगे। तो मैं अब जो है वारंट्स के ऊपर आना चाहता हूँ, जो हमने सेक्शन 61 में सम्मन पढ़ा था उसी की आप ये समझिए कॉपी चश्मा की गई है सेक्शन 70, थोड़ा सा अंतर है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फॉर्म नंबर एक जो है सेक्शन 61 के तहत शेड्यूल 2 के अंदर दिया गया है, इसी तरीके से फॉर्म नंबर 2 सेक्शन 70 और 71 के तहत दिया गया है, आप शेड्यूल 2 में इसको देख सकते हैं।
तो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बी एज द सील ऑफ द कोर्ट। यानी चार बात इसमें हुई कि जो समन किसी को अरेस्ट करने के लिए दिया गया वो राइटिंग में होगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे और इट विल बी एट द सील ऑफ द कोर्ट। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि फॉर्म टू जो सेकंड स्कूल में दिया गया है वहाँ पर देखा जा सकता है ये क्या है। और दूसरा जो है एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। तो ये वारंट जब तक लागू रहेगा, जब तक या तो कोर्ट इसको वापस ना ले ले कैंसिल कर दे या वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता इट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस। अब कैथर की बात हम करते हैं, कैथर क्या है। कैथर में है कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि कोई भी कोर्ट जो है जब गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगी तो उस वारंट के ऊपर ये निर्देश दे सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के सामने निश्चित समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूति सहित बंद पत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा, यानी अपनी कस्टडी से छोड़ देगा। तो ये इसके लिए क्या है कि क्या करना होगा, द एंडोर्समेंट शैल स्टेट द नंबर ऑफ द श्योरिटीज। जज साहब जो है उसमें ये कहेंगे कि वह क्या श्योरिटी लेनी है, विद वन श्योरिटी, विद टू श्योरिटी, विद व्हाट अमाउंट, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, कि कितने रुपए का बंद पत्र उसने देना है, कितनी श्योरिटीज देनी है, एक देनी है, दो देनी है, द टाइम विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और वो टाइम भी बताना है, उसके लिए पाबंद करना है कि इतने बजे वो वहाँ न्यायालय में पेश होगा। अब इसमें सब सेक्शन थ्री है वो क्या कहता है, वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू हुम द वारंट इज डायरेक्टेड सेल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट, क्योंकि वो बॉन्ड जो उसने लिया कि जी मैंने उसकी तामील करा दी विद श्योरिटीज का ऑर्डर था और ये उसने बंद पत्र दिया है, ये श्योरिटीज जो हम अदालत में पेश करता हूँ, तो ही तो अदालत को पता लगेगा कि हाँ ये समन और वारंट हैज बीन इशूड एंड विच वॉज इशूड दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब बेहतर सेक्शन क्या कहता है, वारंट टू होम डायरेक्टेड, ए वारंट ऑफ अरेस्ट सेल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पब्लिक ऑफिसर पुलिस ऑफिसर। ये जरूरी नहीं कि पुलिस के एक अधिकारी को कहा जाए कि उसने समन की तामील करानी है, इसको दो तरीके से भी कहा जा सकता है। मान लिया कि SHO को निर्देश दे दिया कि यू आर टू एग्जीक्यूट दिस और DSP को कह दिया इन केस इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड यू आर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड रिप्लाई के व्हाई दिस हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इट मीन्स टू पर्सन हैव बीन डेप्यूटेड फॉर द पर्पज, और वो दोनों जो है उसकी तामील करवा सकते हैं। इफ इट्स इमीजिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी नो पुलिस ऑफिसर इज इमीजिएटली अवेलेबल डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्सन एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। यदि मान लिया वहाँ पर मौके पर पुलिस उपलब्ध नहीं है तो कोर्ट में किसी भी आदमी को ऐसा करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। वैन ए वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन्स देन वन इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाई ऑल और बाई एनी ऑफ देम, चाहे वो जब दो को या दो एक या दो को जिसको जितना वो कहा था वो सारे भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब सेक्शन 73 क्या कहता है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मे डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल ज्यूरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज एवेडिंग अरेस्ट। यहाँ पर चार आदमियों के खिलाफ की बात आई कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन चार आदमियों को जो उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में है पकड़ने के लिए वारंट भेज सकता है। किस किस को, नंबर एक एस्केप्ड कन्विक्ट जो भाग रहा है, मतलब
और कन्विक्टेड आदमी है, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तीसरा जो है ऐसा व्यक्ति जो नॉन वेलेबल ऑफेंस का दोषी है, और इवेडिंग द अरेस्ट, और अरेस्ट को यानी पकड़े जाने के लिए इवेड कर रहा है अपने आप को, मतलब उससे क्या बोलोगे इवेड की हिंदी, छुपा रहा है। अब दो जो है क्या है इसका, 73 का दो, सच पर्सन सेल एक्नोलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ वारंट एंड सेल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वॉज इशूड इज इन और एंटर्स ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। दो क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति की लिखित रूप में पावती देगा, जब उसको वारंट मिल गया तो वो रसीद देगा, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था उसके प्रभार के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। इस तरीके से सबसेक्शन 3, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हु शैल कॉज हिम टू बी टेकन बिफोर ए मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिडिक्शन इन द केस अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71। सेक्शन 71 के अंदर प्रतिभूति लेने की बात कही गई थी, एक जमानती, दो जमानती और कितने रुपए का, तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब तक वो आदमी ऊपर सेक्शन 71 के अनुसार प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उस मामले में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले किया जाएगा अगर प्रतिभूति नहीं दी, यदि जमानत नहीं दी, तो इसमें यह कहा गया है। और 74 क्या कहता है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाई एनी अदर पुलिस ऑफिसर, यानी SHO को मार्क कर दिया तो SHO जो अपने अधीनस्थ से भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, इसके अंदर ये कहा गया। और ये जो है वो लिखित महादेश देगा अपने जूनियर को इस तरीके से, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, द पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस thereof टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। अब क्या कहता है ये कि जो वारंट है उसका सार जो है ना, उसकी सूचना जो है गिरफ्तार करने वाले आदमी को दी जाएगी कि तेरे को इस कानून के तहत, इस वारंट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ये उसको लिख कर देगा। अब सेक्शन 76 क्या कहता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। हम पहले भी कई सेक्शन इसके बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी फिर एक बात आई है कि 24 घंटे के अंदर जो है विदाउट अननेसेसरी डिले और विद इन 24 आवर प्रोवाइडेड के अंदर दिया है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उस जहाँ से वो पकड़ा गया उस समय से लेकर के और उसको पेश किए जाने के समय तक 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको पेश किया जाना है। तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिमाइंड करवा दूँ कि संविधान के Article 22 के अंदर ये बात कही गई है 24 घंटे वाली, और Section 42(3) में ये जिक्र आया, कल हमने जो पढ़ा था Section 57 में इसका जिक्र आया, और आगे जो पढ़ेंगे Section 167 में इसका जिक्र आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने Section 76 में भी ये पढ़ा। तो इस तरीके से ये 24 घंटे वाली प्रक्रिया कैसे होती है ये आपको पहले कई बार बताया जा चुका है। अब हम Section 77 की बात करते हैं कि वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। अब इसमें दो बातें हैं, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा करना चाहेंगे कि द वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ये नहीं कि एक आदमी का वारंट जारी हो गया, वारंट जारी होने पर यह कह के ये स्थान नहीं लिख रखा, ही इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया इंक्लूडिंग जेल आल्सो, यहाँ पर ये कहना चाहूँगा इंक्लूडिंग जेल आल्सो। और इसके लिए जो है मैं दो अथॉरिटी आपको बताना चाहूँगा, एक है AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट page 1173, और जिसका पूर्ण रूप से पैरा में जिक्र किया गया है वो पेज है 1180, और क्रिमिनल लॉ जनरल 3866
1992 का क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 38-66 जिसका पृष्ठ है 38-81 इलाहाबाद का फुल बेंच का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का और इलाहाबाद फुल बेंच जजमेंट दो मैंने आपको बताए, इनके अंदर ऐसा करार दिया गया है कि उस वारंट के ऊपर जगह निश्चित करवाना जरूरी नहीं है। वारंट जारी हो गया तो वो कहीं भी है, कहीं भी छापा मारा जा सकता है और उसका वारंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बाहर के ज्यूरिडिक्शन में एग्जीक्यूट कराने के लिए जैसे गोहाना का वारंट है और कलकत्ता में उसकी तामील करानी है, तो यहाँ का जज वहाँ के जज को फॉरवर्ड करेगा और वहाँ का जज ये मानते हुए कि ये मानो उसकी अपनी कोर्ट का है, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो जो है इसी तरीके से रिसीट वगैरह करवा करके यों का यों भेजेगा। और यदि उन आदमियों से जमानत और प्रतिभूति लेनी है तो वो लेगा, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि यदि उसके अंदर ये नहीं लिखा कि प्रतिभूति लेनी है, छोड़ना है ना छोड़ना, तो वो जो है वारंट डिफेक्टिव होगा। और इसके ऊपर अथॉरिटी है 1996 क्राइम्स 478 एट पे 480 उड़ीसा की अथॉरिटी है। और सेक्शन 79 क्या कहता है, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, व्हेन ए वारंट डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम ही शैल ऑर्डिनरी टेक इट फॉर एंडोर्समेंट आइदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या कहता है कि जब कोई वारंट किसी पुलिस वाले को दे दिया गया कि आपने इसकी तामील करानी है, तो वहाँ जा करके उस थाना प्रभारी से उसकी एंडोर्समेंट करवानी होगी या वहाँ के मजिस्ट्रेट से एंडोर्समेंट करवानी होगी। लेकिन इससे अगले सेक्शन में ये कह दिया कि यदि ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट से या उस पुलिस अधिकारी से ऐसा करवाने से जिसको वारंट निर्दिष्ट किया गया है नुकसान हो सकता है और वो आदमी वहाँ से भाग सकता है, तो वो सीधा भी उसकी तामील करवा सकता है। इसमें ये ऐसा वर्णन किया गया है कि फिर सेक्शन 3 क्या कहता है, व्हेन एवर देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिले ऑकेजन्ड बाय ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट ऑफ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद इन हुज लोकल ज्यूरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन, यदि उनके दस्तखत करवाने से एक वारंट को तामील करवाने में दिक्कत आ सकती है तो इस सूरत में वैशीदा भी उसकी तामील करवा सकता है और स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में जा सकता है। अब सेक्शन 80 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट वारंट इशू, जब जिस आदमी के खिलाफ वारंट इशू किया गया था उसको अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या करना है, जब उसको अरेस्ट कर लिया और 30 किलोमीटर के एरे से बाहर है वो कोर्ट जिसने सम्मन जिसने वारंट जारी किया था, तो वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर के सामने, कमिश्नर के सामने या वहाँ की कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाएगा, या अगर वो 30 किलोमीटर के अंदर है तो तुरंत ले आकर के उसी ऑफिसर के सामने पेश किया जाएगा। ये इसका वो है और ये जिस तरीके से सेक्शन 71 में ये कराया था उसी तरीके से ये होगा। और प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, ये सेक्शन 81 है जिसको हम कल की बजाय आज ही कर लेते हैं, क्योंकि कल से जो है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के सेक्शन करेंगे। तो सेक्शन 81 क्या कहता है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और दी डीएम और दी पुलिस कमिश्नर ऑफ दी पुलिस, तीन आदमी डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर पुलिस का, जब उसके सामने पेश किया जाता है तो वो उस आदमी को बंद पत्र लेकर के या मतलब सेटिस्फाई करके उसको रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि वह इसको प्रोवाइडेड कैसे इफ द ऑफेंस इज अवेलेबल उसके मुताबिक उसकी बेल लेकर के, एंड पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव द बेल, अवेलेबल ऑफेंसर वो आदमी बेल देना चाहता है तो उससे बंद पत्र लेकर के, और वारंट अगर है
such person is ready and willing to give the security required by the direction, the magistrate, district superintendent or the commissioner shall take such bailer's court. यदि वारंट है, वारंट में भी प्रतिभूति लेने का जिक्र किया गया है कि इतनी प्रतिभूति लेकर के या इतने रुपए के अमाउंट पर उसके छोड़ा जा सकता है, तो ये तीनों आदमी उसको इस तरीके से छोड़ सकते हैं। और इस तरीके से हमारे सेक्शन 81 तक जो है आज हुए, और 81 का सब सेक्शन प्रोवाइडेड है, इसमें कहा है कि फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल में तो वो छोड़ ही देंगे, यदि ऑफेंस नॉन अवेलेबल है इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 437 का जो प्रोसीजर है, या सेशन जज, जब मान लिया सेशन ट्रायल है, तो इज मेड ऑन कंसिडरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 78। जैसा कि सेक्शन 78 में मैंने बताया था कि वारंट के अंदर ये कहा गया है कि इस तरीके से छोड़ा जा सकता है, तो वो उसके अनुपालना में वहाँ का सेशन जज या वहाँ का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसकी अनुपालना करेंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। और इस प्रकार से आज हमारे 81 सेक्शन जो है कंप्लीट हुए, कल जो है हम 82 से 90 तक करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आई है, आपको अच्छा लगा, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।